नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया दोस्तों, बात करूंगा सांवलेपन की। सांवलापन दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक तो आप पैदाइशी सांवलापन हो, जैसे आपका जन्म हुआ जब से आपका चेहरा डल रहा हो या पूरा शरीर डल रहता है शुरू से, और जैसे आपकी अवस्था चेंज हुई, जैसे आप बचपन से युवा अवस्था में, जैसे आपकी उम्र 20 से 22 साल हुई दोस्तों, तो होता क्या कि आप 20 से 22 साल के बाद आप होने लगता है कि आपका चेहरा डल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा धूप में जाते हो, बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो बाहर जाना आने जाना होता है, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जैसे आप बीच में डल आपकी स्किन डलनेस हो रही है, तो आप उसे उपाय कर सकते हो कि उसके लिए आपकी कोई भी रेगुलर क्रीम या फिर घर के वही घरेलू उपाय भी कर सकते हो। उसका समाधान बहुत आसान है, बहुत अच्छा सरल ट्रीटमेंट है। उसमें आप कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से अपना चेहरा पहले जैसे ला सकते हो। कैसे? अगर आप मैन हो तो गार्नियर लाइट क्रीम, पॉन्ड्स मैन क्रीम आती है, वो फेयर एंडसम आती है मैन, कोई भी आप रेगुलर क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो, रेगुलर फेस वॉश लगा सकते हो, तो वो तो स्किन आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी वर्क कर देगी, आप पहले जैसे हो जाओगे। दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है आप जैसे शुरू से ही आपका बचपन से ही आप काले रहे हो या सांवलापन बोल सकते हो जैसे मैं, तो उसमें उस ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, और हो सकता है आपको डॉक्टर से भी सलाह लेनी होगी अगर आपको गोरा होना है। वरना तो आप ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग ऐसे ही रहते हैं। अगर आपको थोड़ा स्किन वाइटनिंग करनी है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं होती है, अब भगवान ने जो कलर दिए सब परफेक्ट और सब अच्छे होते हैं, लेकिन आपको एक उत्साह होती है कि हाँ भाई मेरा चेहरा थोड़ा लाइटनिंग लगे लगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही आपका सांवला पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको नेचुरल क्रीम बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती। आप कोई नेचुरल क्रीम लगाओगे तो ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। उसके लिए लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग से तो उसको बहुत स्किन लाइट लगा लेते हैं, मेलाज लगा लेते हैं, मेलाकेन कोई भी एड्रोक्विनोन क्रीम, कोजिक एसिड वगैरह बहुत सारी क्रीमें मार्केट में, तो बहुत वैरायटी से बेट्रोमेट सी एन बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उन्हें वो वर्क भी करती है क्योंकि उसमें केमिकल होता है और केमिकल वर्क करता है दोस्तों। जिसमें केमिकल होगा बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। जैसे जो स्किन लाइट आप 15-20 दिन में गोरे हो जाओगे, उस गोरे होने से घाटा ये है कि आप जैसे लगाना छोड़ दोगे फिर आप काले हो जाओगे। तो ऐसे में आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो कि मुझे क्या करना, तो वो भी कहेंगे आपको, कोई क्रीम रिकमेंडेड करेंगे आपको, हो सकता है ग्लूकोन 1000 की टैबलेट रिकमेंडेड कर दें, कुछ भी कर दें, तो उससे क्या हो, मेलेनिन की मात्रा कम होती है, आपसे 3 से 4 टोन तक स्किन फेयरनेस हो सकती है, ज़्यादा नहीं, आपकी स्किन लाइटनिंग हो जाएगी, आपको लगेगा हमारी स्किन लाइटनिंग हो जाएगी। जैसे मैं गया था, मैं पैदाइशी ही सांवलापन था मेरा, कोई अभी नहीं हुआ, तो इसलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करी दोस्तों। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, मुझे गो लाइट क्रीम मैंने लगाई, बहुत अच्छी क्रीम थी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा दोस्तों। अभी आप देख रहे हो मैं थोड़ा कालापन लग रहा होगा, उसका रीज़न ये रहा कि दोस्तों अभी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो नदी में जाना पड़ता था पानी वानी देने के लिए, तो उसमें नदी में नहाना भी पड़ता है, उसके बाद आधे किलोमीटर पैदल आओ तो धूप ऊप लगती है, इसलिए थोड़ा ना डिटेनिंग हो गई है दोस्तों, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, रिजॉल्व हो जाती है दोस्तों। मैं बात कर रहा था कि हाँ पैदाइशी कालापन है दोस्तों, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको एक साबुन भी अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, अच्छी सी क्रीम इस्तेमाल करनी है, अच्छे से फेयरनेस क्रीम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप पैदाइशी कालेपन है तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता देता हूँ, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना 3 से 4 टोन तक स्किन फेयरनेस हो सकती है, ज़्यादा स्किन टोन फेयरनेस नहीं हो सकती। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आप लोग बोलो कि मैं एकदम गोरा हो जाऊँ तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो सकते हो। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है कि वही मैं बताता हूँ आपको, कि थीग्लो फेस वॉश लगाता हूँ, नेवलॉन मॉइस्चराइजिंग क्रीम और एक गोलाइट क्रीम और लास्ट सीड की सनस्क्रीन आती है दोस्तों। फिर से गोलाइट क्रीम मैंने मंगा ली है क्योंकि थोड़ा ना मुझे लग रहा है कि जैसे ये डिटेनिंग हो गई, तो उससे ज़्यादा गोलाइट क्रीम लगाऊंगा दोस्तों। अब गोलाइट क्रीम फिर 1 से 1.5 महीने मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी 1 साल हो गया छोड़े हुए यार, अब तो लगा ही सकता हूँ मैं, तो फिर से लगाने वाला हूँ। उसका कोई मुझे साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, वो लगता है क्या थोड़े थोड़े पसीने आते हैं ये महसूस होता था, लेकिन हो सकता है इस बार लगाऊँ वो भी ना आए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो। जय हिंद, धन्यवाद।